बहुत से लोग लेजीनेस को अवॉइड करना चाहते हैं। एक बिहेवियर है जो हमारी पर्सनालिटी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन गया। मैं भी और मेरे बहुत से जानने वाले अक्सर ये सवाल करते हैं कि यार किस तरह से लेजीनेस को ओवरकम करें। आई डोंट फील लाइक वर्किंग, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, दिल करता है बस बैठे रहूँ, लेटे रहूँ, कोई काम ना करूँ। मैं समझता हूँ बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लेजी हो चुके हैं। तो यार फ्यू रीजंस और इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पॉइंट नंबर वन, प्रायोरिटाइज। कोशिश करें अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ज़िंदगी में इसलिए भी कुछ नहीं कर रहे, उनका काम करने का दिल इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि उनकी लाइफ में कोई डेडलाइन नहीं है, कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं कि मुझे अगले 2 महीने में क्या चीज़ अचीव करनी है। जब तक आपकी लाइफ में प्रायोरिटाइजेशन नहीं होगी और डेडलाइंस आप सेट नहीं कर रहे किसी भी टास्क को लेकर, तो ऑटोमेटिकली आप टाइम उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, उस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें बात समझना पड़ेगी कि हमारे माइंड में ना ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स नहीं होती, बट ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स ज़रूर होती है। किसी भी पॉजिटिव काम को करने के लिए, किसी भी बेहतर काम को करने के लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जो कि आसान नहीं है, जिसके लिए हमें अपने आप को पुशअप करना पड़ता है। जस्ट लाइक बहुत से लोग जिम नहीं जाते, घर बैठे रहना बहुत आसान है, सो के उठ के खाली दफ्तर चले जाना आसान है, लेकिन सुबह उठ कर जिम जाने के लिए बहुत से लोगों में लेजीनेस आ रही होती है, उनका उठने का दिल ही नहीं कर रहा होता। इट्स जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ। बहुत से लोगों को पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसके आउटकम्स हमें फेस करने पड़ेंगे, जैसे अकर्जिया कहते हैं कि हम अपनी जजमेंट के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रायोरिटाइज करें कि आप ज़िंदगी में अपने आप को लेकर क्या अचीव करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर टू, चेंज योर एनवायरनमेंट। बहुत सारी रिसर्चेज अवेलेबल है कि अगर आप लेजी लोगों के साथ बैठेंगे, लेजी एनवायरनमेंट में काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप भी कहीं ना कहीं लेजी हो जाएंगे और वो लेजीनेस आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाएगी। कोशिश कीजिए अपने एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। बहुत सा फ्रेज मैंने पढ़ा था, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन योर ग्रुप यू शुड चेंज द ग्रुप, बिकॉज अगर आपके ग्रुप में आप ही स्मार्टेस्ट हों, सारे डंप हैं आपके ग्रुप में जो कि पॉजिटिव बिहेवियर्स को अडैप्ट नहीं कर रहे, उनकी पॉजिटिव आदतें नहीं है, नेगेटिव आदतें, तो कहीं ना कहीं वो आदतें आप पर असरअंदाज होंगी और आपके बिहेवियर को चेंज करेंगी। अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना, लाइक माइंडेड लोगों में बैठना, लाइक माइंडेड ख्यालात को लर्न करना, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे कॉन्टेंट को कंज्यूम करना। सोशल मीडिया पर आप किस किस्म के कॉन्टेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, किन पेजेस को आपने सब्सक्राइब किया, वे सब आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जितना ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी इनहैंस्ड होगी और आप लेजीनेस जैसे बिहेवियर को अवॉइड करेंगे। पॉइंट नंबर थ्री, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। क्या वजह है कि हमारा काम करने का दिल नहीं करता? इसकी बहुत सारी रीजन, उनमें से एक रीजन डिस्ट्रैक्शन है, एंड डिस्ट्रैक्शन की मेजर वजह इंटरनल ट्रिगर्स है, हमारे नेगेटिव इमोशंस। इंटरनल ट्रिगर्स को अनकंफर्टेबल इमोशनल स्टेट्स भी कहा जाता है, बिकॉज हमारे अनकंफर्टेबल इमोशनल स्टेट्स होते हैं वो हमें काम करने से दूर भगाते हैं। यूजली फेसबुक लोग तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब वो बहुत बोर हो रहे हो, यूजली लोग इंस्टाग्राम तब इस्तेमाल करते हैं जब वो बहुत लोनली हो, यूजली लोग व्हाट्सएप तब कर रहे होते हैं जब उनकी कोई बेचैनी का एहसास हो रहा हो। ये तमाम एप्लीकेशन इसलिए डिज़ाइन की गई कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें, बट ऑन दी अदर एंड इन एप्लीकेशन को तब इस्तेमाल किया जा रहा होता है जब हम अपने नेगेटिव इमोशन से स्केप चाहते हैं, यानी अपने इंटरनल ट्रिगर से स्केप चाहते हैं, और ये इसलिए डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में बढ़ती चली जा रही है। अनदर पॉइंट, ट्राई टू क्रिएट अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ। जब तक आप अपनी लाइफ में शेड्यूल को क्रिएट नहीं करेंगे, यानी ट्रैक्शन को लेकर नहीं आएंगे, तब तक आपकी लाइफ में लेजीनेस का बिहेवियर रहेगा। हमारा जो माइंड है ना, वो क्लैरिटी पर काम करता है। ये बहुत जरूरी है कि हम क्लियर इंस्ट्रक्शन दें अपने माइंड को कि हमारा प्लान क्या है, हमारा स्केड्यूल क्या है, और कोशिश करें जब आप स्केड्यूल बना रहे हो, स्केड्यूल को स्टिक करें और अपने आप से पैक प्रॉमिसेस करें कि अगर मैंने काम नहीं किया तो फिर मैं ये करूंगा, अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं करूंगा। डेडलाइन सेट कीजिए, अलार्म सेट कीजिए, बट स्केड्यूलिंग पर फोकस कीजिए। जितना ज्यादा आप स्केड्यूलिंग पर फोकस करेंगे, ये आपको मोटिवेट भी रखेगा और आपको लेजीनेस के बिहेवियर से अवॉइड करने में मदद देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिप्स पसंद आई हो। अगर आपको टिप्स पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा।